हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि OB22 अपडेट में हमें क्या नई चीज़ें देखने को मिलेगी। कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही है, वैसे तो कुछ क्या बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ साथ बेल आइकन बन के आ रहा होगा उसको दबा के उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो गाइस, बैकग्राउंड में तो मैं आपको एक हैकर का गेम प्ले दिखा रहा हूँ। अब हैकर से मुझे याद आया कि यार, गरीना ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करा है कि OB22 अपडेट के बाद में हैकर्स को वो स्ट्रिक्टली लेंगे और कुछ नया ये चीज़ डेवलप कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग ट्रेलर भी रिलीज करा है गरीना ने। तो मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूँ जो उसने रिलीज करा है। तो गाइस, ये था ट्रेलर जो कि हैकरों के ऊपर स्पेशली गरीना ने रिलीज़ करा है। और देख सकते हो आप लोग, इसमें लग रहा है गरीना की यार इस बार कुछ तबाही बरचा होगा और तबाही मचाने वाला है ऑब्वियसली। बट लेट्स सी, ये तो हमें अपडेट के बाद ही पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि अभी जो कंडीशन है ना गेम की, हर एक रैंक गेम में एक हैकर मिल रहा है। मतलब लिटरली हर एक रैंक गेम में यार हैकर आ ही रहे हैं, तो पता नहीं क्या चल रहा है अभी तो। खैर, चलिए देखते गरीना क्या करता है। तो गाइस, एक और अपडेट की बात करें जाए तो आ रही है डेजर्ट ईगल की स्किन। यस गाइस, डेजर्ट ईगल की स्किन आ रही है, पर उसमें कोई एट्रीब्यूट्स होंगे या नहीं होंगे ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो देख सकते हो आप लोग, इमेज में ऐसी दिख रही है, उसके आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये है डेजर्ट ईगल की हमारी स्किन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे मिलेगी? तो गाइस, सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात कि फ्री होगी, सबके लिए, सब ले सकते हो। तो इसके लिए आपको खेलना पड़ेगा क्लैश स्क्वाड मोड, जो कि रैंक मोड, और जो भी गोल्ड लेवल क्लियर कर देगा क्लैश स्क्वाड में, तो उसको ये गन स्किन मिल जाएगी। तो अभी तक सुनने में तो यही आ रहा है कि यही कुछ रहेगा, बट हाँ, अगर मिशन चेंज भी होते हैं मान लीजिए, बट फिर भी ये आपको मिलेगी तो फ्री में ही। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे एक देखने को मिली है। इसमें एट्रीब्यूट्स है कि नहीं अभी तक श्योर नहीं हुआ, बट माइट पॉसिबल कि एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। तो साथ ही साथ क्लैश स्क्वाड मोड को लेकर एक और अपडेट आ रही है सामने। तो गरीना के द्वारा एक मैसेज मिला है जिसमें कहा जा रहा है कि कालाहारी भी अब रैंक क्लैश स्क्वाड मोड में शामिल किया जाएगा। तो यस गाइस, कालाहारी भी आपको देखने को मिल जाएगा OB22 के बाद में क्लैश स्क्वाड मोड में। अभी रैंडमली आएगा या फिर इसमें हम सिलेक्ट कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है ना कि हाँ, रैंडमली ही कालाहारी और बरमुंडा एक्सचेंज होते रहेंगे जैसे नॉर्मल रैंक मोड में होता है। तो गाइस, एक और शॉकिंग न्यूज जो कि M1887 यूजर्स के लिए है, ये अभी तक कन्फर्म नहीं है मुझे, मतलब नॉट श्योर कि 100% अपने सर्वर में होगा या नहीं होगा, बट जो M1887 है वो अब से रैंक मोड में सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप में देखने को मिलेगी, आपको लूट के साथ नहीं मिलेगी। तो अगर आपको याद है तो सेम पहले क्रॉसबो के साथ हुआ था, क्रॉसबो हमें पहले लूट के साथ मिलता था, बट फिर वो ज़्यादा ही ओपी हो गया था तो उसे हमें एयर ड्रॉप में देने लग गए थे गरीना वाले। तो सेम अब M1887 के साथ अब यही होने वाला है कि वो भी हमें एयर ड्रॉप में मिलेगी, ऐसे लूट के साथ नहीं मिलेगी। बट ये अपने सर्वर में होगा कि नहीं होगा ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही कि हाँ, ये अपने सर्वर में हो सकता है। एंड गाइस, बहुत ही टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने सीजन 26 एलाइट पास दिखाया था कि उसमें क्या क्या आ सकता है या आने वाला है। तो अब एक न्यूज़ आ रही है कि जो रैम्पेज 2.0 वाला एलाइट पास है ना गाइस, उसको गरीना ने सीजन 26 एलाइट पास बना दिया है, और जो मैंने सीजन 26 एलाइट पास बताया था आप लोगों को, वो सीजन 27 का एलाइट पास हो गया है। तो पता नहीं क्यों गरीना ने ये स्वैप करा है जो एलाइट पास वाला सिस्टम है, बट यार समझ में नहीं आ रहा कि क्यों करा गरीना ने ऐसा। मुझे तो रैम्पेज वाला एलाइट पास से बेटर वो वाला मछली वाला एलाइट पास लगा, बट यार देखते हैं अब क्या होता है। अभी तक तो यही कंफर्म हो रहा है कि हाँ, एलाइट पास में चेंज कर दिया है गरीना ने, और अब रैम्पेज होगा हमारा सीजन 26 का एलाइट पास।
एंड गाइस M1014 जो इनक्यूबेटर में आने वाली थी तो उसमें हमें एक और नई स्किन देखने को मिल रही है। तो देख सकते हो आप गाइस पिंक कलर की स्किन है और यार ये भी हमें देखने को मिल रही है। इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो डबल डैमेज है, माइनस रेट ऑफ फायर है और सिंगल जो इसकी एक्यूरेसी है। तो यार मतलब पता नहीं कैसे पांचवी गन स्किन हमें देखने को मिल रही है, वो भी ऐसे लास्ट मोमेंट पे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मतलब मजाक चल रहा है या फिर सच्ची में हमें इनक्यूबेटर में पांच गन स्किन देखने को मिलेगी इस बार। सो गाइस हम इतनी दूर आए गए तो मैं आपको एक बंडल दिखा देता हूँ जो कि चांसेस है गोल्ड रॉयल में आने के लिए। एक ये बंडल तो आपको दिखाई रहा होगा, मतलब दिखने में आ रहा होगा, बहुत लोग बोल रहे होंगे कि कुछ लोग तो बोल रहे होंगे गोल्ड रॉयल में आएगा, कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं आएगा। तो गाइस ये वाला बंडल गोल्ड रॉयल में नहीं आएगा, ये तो फैन मेड है, ये नकली है, ये शायद फोर्टनाइट का करेक्टर है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जो कन्फर्म मुझे लग रहा है आ सकता है, मतलब इसका भी यार श्योरिटी अभी तक कहीं से आई नहीं है, बट ये वाला बंडल हमें गोल्ड रॉयल में देखने को मिल सकता है जो कि मुझे कतई अच्छा लग रहा है, धांसू लग रहा है यार, मतलब मज़ा आ गया ये बंडल अगर गोल्ड रॉयल में आता तो। वैसे मुझे टैटू वाला जो बंडल होता है भले थोड़ा हो या ज़्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, बट जो टैटू वाला टॉप होता है ना, टॉपलेस शर्टलेस बोलो, तो यार बड़ा अच्छा लगता है मुझे वो वाला टॉप। तो अगर ये गोल्ड रॉयल में आया तो यार पर्सनली मुझे तो अच्छा लगेगा, आप लोगों को गोल्ड रॉयल कैसा लग रहा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस यही सब कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, बहुत सारी चीज़ें नई हैं, तो यार बहुत सारी है ना, मतलब बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें कर दी गरीना ने इस बार, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ OB22 अपडेट को लेके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखते हैं हैकर्स को लेके वो क्या करता है। तो यार वीडियो को ही रैप अप करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा। सो गाइस बाय बाय। Raindrop, drop top, drop top, smoking, no cook in the hot box. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot.